तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया टॉप 3 अपकमिंग बाइक के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर 3 टॉप अपकमिंग बाइक रहने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर जो मोस्ट अवेटेड और जो मोस्ट डिमांडिंग बाइक चल रही है, MT15 वर्जन 2.0। तो गाइस, सबसे पहले हम इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके गाइस, इस बाइक की मैं आपको लॉन्चिंग डेट बता दूं। तो गाइस, ये बाइक जो है इंडिया में मार्च में लॉन्च हो जाएगी, मिडिल मार्च में लॉन्च हो जाएगी गाइस। और गाइस, अब बात कर लेते हैं हम इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो गाइस, ये बाइक का जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 160 से 170। अब बात कर लेते हैं गाइस हम इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर के बारे में। गाइस, इस बाइक में आपको फ्रंट साइड में USD फोक्स देखने को मिल जाएंगे, और गाइस बाइक के आपको रियर पार्ट में मोनोशॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ गाइस, आपको इसमें क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कंसोल मीटर, कंसोल मीटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम गाइस इस बाइक के इंजन की। इस बाइक का जो इंजन है वो 18.3 से लेकर 18.4 BHP तक की पावर प्रोड्यूस करता है। सो गाइस, ये बाइक थी पहले नंबर पर जो कि अभी तक मोस्ट डिमांडिंग और एवेटेड बाइक रहने वाली है इंडिया के अंदर। ओके गाइस, हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट की सेकंड बाइक की। तो गाइस, इस लिस्ट में सेकंड बाइक जो रहने वाली है वो रहने वाली है सुपर सोको TS स्ट्रीट 100 बाइक। तो गाइस, ये जो बाइक है वो पूरी फुल्ली इलेक्ट्रिक बाइक है। और इस बाइक के इंजन की अगर हम बात कर ले तो गाइस, इस बाइक में आपको मैक्स पावर जो इंजन में देखने को मिल जाएगी वो मिल जाएगी 2500 वाट। और इसकी जो रेंज देखने को मिल जाएगी कि कितनी एक बार में सिंगल चार्ज में चल सकती है, तो गाइस वो इस 200 किलोमीटर इसकी रेंज देखने को मिल जाएगी। और इस बाइक के जो इंजन के मैक्स टॉक की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको 180 Nm का मैक्स टॉक देखने को मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंसोल मीटर के बारे में। तो गाइस, इसमें आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी सारे राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें ब्रेकिंग टाइप आपको कंबाइंड ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में। तो गाइस, इसमें आपको फ्रंट साइड में USD फोक देखने को मिल जाएंगे, बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक ऐप देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इस बाइक की लाइट के बारे में। तो गाइस, इस बाइक में आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। और गाइस, अब हम अगर बात कर लें इस बाइक के टायर एंड ब्रेक के बारे में। तो गाइस, इस बाइक में आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे, और इसके फ्रंट टायर में आपको डिस्क देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे ही आपको इस बाइक के रियर पार्ट में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, फाइनली हम बात कर लेते हैं इस बाइक की बैटरी कैपेसिटी की, क्या ये बाइक कितनी कैपेसिटी की बैटरी है इस बाइक के अंदर। तो गाइस, इस बाइक के अंदर 32 AH की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर गाइस हम बात कर लें इस बाइक के प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो गाइस ये बाइक इंडिया के अंदर अप्रैल में आपको देखने को मिल सकती है। और गाइस, इस बाइक के इंडिया में 150 लाख प्राइस देखने को आपको मिल सकते हैं। सो गाइस, ये थी इस लिस्ट की सेकंड बाइक, जो कि काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी अच्छी बाइक दिखने में लग रही है। अब बात कर लेते हैं गाइस हम इस बाइक इस लिस्ट की थर्ड बाइक के बारे में। ओके गाइस, तो इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर पर बाइक आने वाली है वो आने वाली है होंडा की CBR 150R। सो गाइस, ये बाइक जो इंडिया के अंदर फिलहाल में लॉन्च होने वाली है, और इस बाइक का काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, इस बाइक में आपको 150cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 17.1 PS विद 9000 RPM। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के मैक्स टॉक के बारे में, कि इस बाइक में मैक्स टॉक कितना रहने वाला है। तो गाइस, इस बाइक में आपको 14.4 Nm विद 7000 RPM मैक्स टॉक देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात कर लें इस बाइक के स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में, तो गाइस इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, और इसके कंसोल मीटर में आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज, क्लॉक, बैटरी हेल्थ और सर्विस रिमाइंडर जैसे काफ़ी फीचर देखने को मिल जाएंगे। लेते हैं इस बाइक के टायर और व्हील के बारे में। तो गाइस, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील्स के साथ देखने को मिल जाएगा। और गाइस, हम साथ ही साथ इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करें, तो इस बाइक में आपको फ्रंट साइड में USD फोक देखने को मिल जाएंगे, और बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक के प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो गाइस इस बाइक के जो प्राइस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं R15 B4 के आसपास, मतलब 190 लाख से 2 लाख तक इस बाइक के प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बाइक जो है इंडिया के अंदर अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है गाइस। तो गाइस, ये बाइक थी इस लिस्ट की थर्ड बाइक, जो कि काफ़ी एग्रेसिव देखने में लगती है, और इस बाइक का काफ़ी इंडिया में क्रेज भी है, और इस बाइक को परचेस करने के लिए काफ़ी टाइम से लोग वेट भी कर रहे हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो गाइस, मिलते हैं अगली और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।